Assalamualaikum friends, my name is Dr. Neelam और आज हम बात करेंगे how to lose 7 kg in 7 days. जी हाँ, वैसे तो हम बहुत सारी किस्म की डाइट्स करते हैं, वेट लूज बाज़ोकात हो जाता है बाज़ोकात नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मंथ्स डाइट करते हैं लेकिन इतनी देर डाइट करने से भी उनका वेट कम नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनका मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है. तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट डाइट प्लान है कि किस तरह से वो 7 kgs जो हैं विद इन अ वीक कम कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं. तो आपका यानी कि वेट लॉस को एक स्पीड अप करने के लिए एक ये बहुत ही समझ लें ईजी वे है. बस 7 दिन के लिए आपने अपने पेट पर जो है ज़रा सा काबू रखना है. अब आपने इसमें करना क्या है, इट इज़ बेसिकली एन अल्टरनेट डे फास्टिंग. यूरोप में ये तरीका बहुत कॉमन होता जा रहा है लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा जो एक इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि एक अनहेल्दी वे है वेट लूज़ करने का, कि बहुत ही तेज़ी के साथ आप अपना वेट कम करें. लेकिन इससे ये है कि आप एक बार इसको अपने वेट को कम कर लें और उसके बाद आप इसको हेल्दी वे में मेंटेन कर सकते हैं. अब इसमें आपने करना क्या है, तो इसमें कुछ ऐसे होगा कि एक दिन आपका ईटिंग डे होगा और दूसरे दिन आपका फास्टिंग डे होगा. जो फास्टिंग डे है उस दिन भी आपको बिल्कुल भूखा नहीं रहना पड़ेगा. उस दिन भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं. सो जो ईटिंग डे है उसके अंदर आपने क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग उठकर आपने सबसे पहले तो ज़ीरे वाला पानी पीना है. उसके लिए क्या करना है, आपने एक चम्मच ज़ीरे को रात को 3 लीटर पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह उसमें से आपने 2 गिलास पानी पी लेना है. अब नेक्स्ट क्या करना है, ब्रेकफास्ट के अंदर आपने एक एग लेना है और साथ 2 ब्राउन ब्रेड्स ले सकते हैं. उसके बाद आपने 11 बजे के करीब एक फल खाना है और उसके बाद लंच के अंदर आपने एक 17 इंचज़ की रोटी लेनी है और साथ आप कीमा ले सकते हैं. तो कीमे के अंदर याद रखिएगा आलू या मटर जो है वो नहीं डाले होने चाहिए, सिंपल कीमा लेना है आपने. 5 बजे आपने 4 से 5 के दरमियान में दूध का एक गिलास पीना है और रात को आपने रोटी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है. रात को आपने जस्ट सूप का यूज़ करना है, यखनी बना लें, कैबेज और चिकन का सूप बना लें, वही आपने पीना है. और रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, आपने 2 टेबल स्पून जो है इस पवोल का छिलका उसको 1 गिलास पानी में डालना है और उसको पीना है और फिर आपने सो जाना है. अच्छा जी, अब ये तो हो गया ईटिंग डे. अब फास्टिंग डे पर क्या करना है, फास्टिंग डे पर आपने जो है सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है कि वही ज़ीरे वाला पानी पीना है आपने. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक एग लेना है और साथ आप उसके ग्रीन टी ले सकते हैं. ग्रीन टी और एग ले लिया आपने, वही 11 के 12 के दरमियान जो है आपने एक अदद फल का इस्तेमाल करना है. और उसके बाद जो है आपने अपने लंच और डिनर दोनों में सिर्फ सूप का इस्तेमाल करना है, रोटी या कोई भी और चीज़ काब वाली आपने नहीं लेनी है. सो इस तरह से जो है आप इजीली अपना 7 kgs लॉस कर सकते हैं विद इन 7 days. सो अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो 7 days के बाद आप शॉकिंग रिजल्ट्स देखेंगे. और जो है कौन से लोग इसको कर सकते हैं और कौन से लोग ये डाइट नहीं कर सकते, सो जो भी लोग हैं डायबिटिक्स हैं वो इस डाइट को नहीं कर सकते और जो फीडिंग मदर्स हैं वो भी ये डाइट फॉलो ना करें. और एक्सरसाइज जो है वो आपने अपने ईटिंग डे पर आप कर सकते हैं लेकिन फास्टिंग डे पर आपने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी है. ठीक है जी, तो इस डाइट प्लान को यूज़ करिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा अगर आपको इससे फ़ायदा पड़ता है या नहीं पड़ता. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कॉमेंट ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके साथ और इस तरह की वीडियोज़ शेयर करती रहूँ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.